गुड आफ्टरनून गायजी वेलकम टू चंद्र चंदन इलाहाबाद दोस्तों चंद्र चंदन इलाहाबाद में मैं आरमेश आपका स्वागत करता हूँ आइए दोस्तों आज धुमाधार कुछ क्वेश्चन दोस्तों बैकअप प्रैक्टिस एक रिविजन दोस्तों कुछ आज मैंने हिस्ट्री से या कुछ टर्मिनोलॉजी से काफी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे यस डेस अगे गो रजत विल ब्रिंग मी समथिंग टू राइट डाउन यस अगे राइट एल जी रिटर्न बाई अर्नल्ड ऑन द डेथ आर्थर मैंने ऐसे नहीं की बस एक नॉर्मल लिया क्या मैथ्यू अर्नल्ड ने अपने दोस्त आर्थर यूज क्लाव की डेथ पर दोस्तों कौन सी टेस्ट एल जी लिखी है पहला एडवरिस इन मेमोरियम ले गो ओके सो मैनी बुक्स गाइज यस सो मैनी बुक्स पर रिटन गाइस बहुत सारी खास करके अगर मैं बात करूं दोस्तों तो फ्रेंड्स की डेथ पर बहुत सारी लिखी गई गाइज गोइंग टू टेक यस राइट लेट्स गो आई ओके ओके okay. बहुत ही तेजी से दोस्तों यस वेरी ट्रू एडोनेस दोस्तों जानते हैं एडोनेस को किसने लिखा है एडोनेस को लिखा है दोस्तों किसने सेले ने और सेले ने लिखा है इसे किसकी डेथ पर दोस्तों कीड्स की डेथ पर जैसा आपने जानते हैं यस yes. और ये दोस्तों इन मेमोरियन दोस्तों लिखा है किसने इसे लिखा है टेनिसन ने और वो लिखा है अपने फ्रेंड की डेथ पर जिसका नाम था अर्थर हल्मा एच और लिसिडस को लिखा है किसने मिल्टन ने और किसकी डेथ पर और इसे लिखा गया दोस्तों डेथ पर किसके हमारे एडवर्ड किंग एडवर्ड किंग और लास्ट में दोस्तों यस आर्थर की डेथ पर लिखा गया किसको थारस को यस इज द राइट आंसर और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों व्याख्या चालू रहेगी नॉर्मल नंबर टू विच इज द ब्लडियस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर गाइस शेक्सपियर का गाइस सबसे ज्यादा खतरनाक दोस्तों हिंसक प्ले कौन सा माना जाता है टाइटस एंडोनिकस जूलियस सीजर मैकबेथ एंटनी एंड क्लेपेट्रा इसको शेक्सपियर का दोस्तों सबसे मार काट अगर मैं बोलूं ब्लड का मतलब है दोस्तों क्या सबसे मार काट वाला प्ले कौन सा माना जाता है आई आई I... yes. I... yes. बिल्कुल सही तो जैसा आप जानते हैं है, एक बार दोस्तों आपके उत्तर भी देख रहा हूं बिल्कुल मैक्सिमम पीपल द राइट आंसर टाइटस एंडोनिकस इज द राइट आंसर बिल्कुल सही टाइटस एंडोनिकस दोस्तों कहानी एंडोनिकस की टम्बोरा जो कि क्वीन ऑफ गोद से दोस्तों और मार काट लोगों के सर काट काट के गिफ्ट में भेजे जाते हैं प्लस से पाइज बनाई जाती है खाने के लिए दोस्तों मतलब आप सोचिए पढ़ के ही मैं पढ़ा के ही तक घिनौना महसूस करता हूं तो आप आप पढ़ेंगे एक बार देखते दोस्तों यस, ध्यान रखेंगे द रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर गाइस तो देखेंगे द रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर दोस्तों शेक्सपियर के तीन रोमन प्लेज हैं कौन कौन से हैं कोरियोलेनस यस कोरियोलेनस दूसरा प्ले ऑफ कोर्स दोस्तों जानते ही इट इज जूलियस सीजर और दोस्तों एक प्ले और है दैट इज कॉल्ड एंटनी एंड क्लेपेट्राह एंटनी एंड क्लेपेट्रहा तो एक बात ध्यान रखेंगे कि कहानी दोस्तों अगर हम बात करें इन प्लेस की तो आपको जान का आश्चर्य होगा टाइटस एंडोनिकस उत्तर तो आप समझ गए दोस्तों हर एक के साथ कुछ आपको बताता हूं क्या facts. तो facts क्या फैक्ट्स फैक्ट्स तो कि द स्टोरी ऑफ टाइटस हैज अ रोमन बैकग्राउंड इनफैक्ट एक रोमन जनरल होता ही है दोस्तों कौन हमारा ये टाइटस एंड्रोनिकस पर दोस्तों इसके बावजूद इसे शेक्सपियर का रोमन प्ले नहीं माना जाता इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा गोइंग टू रिपीट माय वर्ड्स या ऑल दो द स्टोरी ऑफ टाइटस एंडस रोमन बैकग्राउंड प्लेन द रोम प्ले तीन है okay, समझ गए हैं कन्फर्म करें फिर से कहता हूँ क्या रोमन बैकग्राउंड होने के बावजूद इसे रोमन प्ले नहीं माना जाता दोस्तों आई ब्लिस वॉज इट इन दू बंगज वेरी दिनों जिंदा रहना ही बड़ी बात थी पर अगर आप यंग है नौजवान हूं तो यह तो सोने में सुहागा है यह किसने कहा था माइक सॉरी वर्सवर्थ की किस पोएम में है माइकल रूथ फ्रेंच रिवोल्यूशन टेंटन अवीहा はい。Let दोस्तों बता ही चुका हूं ये भी उनका एक बड़ा ही फेमस कोर्ट है जो उनके दोस्तों वास्तव में तो ये पोएम ली गई है किससे द प्रल्यूड से हाँ द प्रल्यूड से लेकिन दोस्तों इसे एक अलग से पोएम का भी नाम दिया गया है अंड नेम ऑफ द पोएम इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन सी द राइट आंसर इसको इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ हा ब्यूटी प्रवोक्नर देन गोल्ड सुंदरता चोरों को सोने से ज्यादा आकर्षित करती है यह शेक्सपियर के किस प्ले की लाइन है दोस्तों हाँ द टेम्पेस्ट एज यू लाइक इट लव्स लेबर लॉस्ट मच एड अबाउट नथिंग तो ऑल ऑफ लेट्स गो तो हम सभी जानते हैं फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन दोस्तों मैंने भी आई हैव टेकन सो मेनी टाइम्स इसे तो बहुत बार मैंने पढ़ाया है ट so इज दोस्तों जब आप जानते हैं अपने चाचा दोस्तों के अत्याचार से परेशान होकर रोजलिंड क्या रोजलिंड दोस्तों जाती है कहाँ जहां पे उसके पिता दोस्तों एक्साइल्ड ड्यू, ड्यूक रहते दोस्तों हा? तो रोजलिंड के साथ ही उसकी बहन जाती दोस्तों क्यों सेलिया और दोनों क्या बोलते हैं कि हम लोग दोस्तों यंग गर्ल्स हैं और हम लोग कहाँ जंगल में भटकेंगे ऊपर से हमारी उम्र भी बहुत कम है तो कोई भी हमारी सुंदरता को देखकर मोहित हो सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है तो वही पे दोस्तों रोजलिन कहती है क्या ब्यूटी प्रवोक थीप सोनर देन गोल्ड क्या हमारी खूबसूरती चोरों को अगर हम सोना लेके जाते तो कम खतरा होता पर हमारी सुंदरता चोरों को और आसानी से हमारी तरफ आकर्षित कर सकती है इसीलिए दोस्तों आप जानते हैं, वेस क्या करते हैं? क्या करते हैं? कि हम एक काम करते हैं वी आर गोइंग टू टेक क्रॉस ड्रेसिंग दोस्तों क्रॉस ड्रेसिंग क्या रोजलिंड बनती है एक लड़का जिसका नाम पड़ता है गेनी मेड और उसकी बहन चचेरी बहन क्या उसकी चचेरी बहन सीलिया बनती है क्या एक बूढ़ी औरत जिसका नाम क्या है एलिना एंड द राइट आंसर इज़ गोइंग टू बी यस एज यू लाइक इज द राइट आंसर आई विच इज मास्क रिटन बाय मिल्टन दोस्तों मिल्टन के द्वारा लिखा गया मास्क कौन सा है ऑप्शन ए साइमन एगोनिस्टिस सैमसन एगोनिस्टिस लिसिडस कॉमस एरियोपेजिट का इसको एस आई ओके तो हम सभी जानते हैं इसको yes, दोस्तों बहुत बार ले चुका हूं एक बार फिर से देखें टैमसन एगोनिस्टिस एक दोस्तों ट्रेजिक प्ले है या इट्स वर्स है दोस्ते जानते है जानते एलजी कॉमस हमारा उत्तर है यह एक मास्क है और एरियोपेजिटका वज रिटर्न ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस तो हमारा उत्तर हो गया दोस्तों क्या हमारा उत्तर है सी चेन एक बार काट के लिख दो नहीं तो आप सोचेंगे सर हॉज पॉच कर दिए सी इज द राइट आंसर इसको विच प्ले ऑफ शेक्सपियर है दोस्तों किस प्ले में सबसे ज्यादा सुसाइड दिखाया गया है आप इसको भी जानते हैं शेक्सपियर के किस प्ले में सबसे ज्यादा सुसाइड दिखाया गया है ऑप्शन ए हेमलेट एंटनी एंड क्लेपेट्रा रोमियो एंड जूलियट जूलियस सीजर है इसको और तो इसको कई बार कई बार मैंने दोस्तों ये भी लिया हुआ है इस इसको बिल्कुल दिक जैसा मैंने अपने जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है मैंने बताया दोस्तों ना कि अगर आप मुझे रैंक करने को कहो तो मैं दोस्तों हेमलेट को के साथ रैंक करूंगा किसको एंटनी क्लेपेट्रा को दोस्तों जो साइकोलॉजी जो एक डेविएशन मतलब बार बार दोस्तों एंटनी लड़ने का मूड बनाता है फिर क्लेपेट्रा उसे लपेट लेती है इस चीज को दोस्तों अपने दोस्तों लास्ट में आप जानते हैं एंटनी एंड बहुत बाद में लिखा गया एंटनी एंड क्लपेट्रा वॉज द लास्ट ट्रेजिक प्ले ऑफ शेक्सपियर ना तो दोस्तों सोलह सौ ग्यारह बारह के आसपास से लिखा गया अपनी पूरी कलाकारी को झोंक दिया है किसने शेक्सपियर ने इसमें दोस्तों और क्या सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दोस्तों इनो बार एंटनियन क्लिपेट्रा क्लिपेट्रा को तीनों नौकर दोस्तों लगभग छह से सात लोग दोस्तों इनफैक्ट सिक्स सेवन पीपल ट्रा और सुइसाइड के व्यू पॉइंट से दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है मतलब ये सबसे तो द बिगेस्ट तो दोस्तों ये तो ठीक है पर गाइज सोचिए जरा दोस्तों सोचिए मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि अगर मैं बात करूँ किसकी दोस्तों इस उम्र में अगर मैं सुइसाइड की दोस्तों बात करूँ सोचिए उस एज में जब लोग डिप्रेशन से भी सही से परिचित नहीं थे इतने नंबर्स ऑफ सुड्स दिखाना अपने आप एक उपलब्धि ही कहा जाएगा गाइज हाँ ज द राइट आंसर इसको इंटनेटल पा यस यस विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज लार्जेस्ट सेलि लिख हुई है ऑप्शन ए हेनरी सिक्स हेनरी फोर्थ हेमलेट किंग लेर दोस्तों शेक्सपियर की दोस्तों लार्जेस्ट सेल्यूलो की किस्में थी गूगल इस Yes. और दोस्तों मैंने आपको मेजर पॉइंट्स में भी पढ़ाया मैं पे अपने कवरेज करता रहता हूं विच प्ले ऑफ़ शेक्सपियर है मैंने आपको बोला था हेनरी सिक्स में दोस्तों जो ग्लाउसेस्टर बोलता है यह शेक्सपियर द्वारा लिखी गई सबसे बड़ी सैलीलो की है जो इकहत्तर लाइनों तक जाती दोस्तों है दोस्तों ध्यान रखेंगे हेनरी सिक्स में जो ग्लाउसेस्टर है दोस्तों स्पीक्स द बिगेस्ट सेलिलो की रिटर्न बाई शेक्सपियर एंड इट रन नॉन स्टॉप सेवन लाइन एंड ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर ए फा इज द राइट आंसर इसको नेक्स्ट हुई दगड़ा हु हैज गिवेन द टर्म एपिक थिएटर दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार दो बताए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा टर्म एपिक थिएटर यहां पर चलेगी मार्टिन एसलिन बर्टोल्ट्रिक्टिन पी एस एलियट गई अब यहां दोस्तों में देखता हूं कि ग्लोसरी में आप कितना हद तक तैयार कर पाए हो इसी बहाने दोस्तों एक टेस्ट भी तो बनता है यस आई टर्म एपिक थिएटर किसने दिया है दोस्तों हाँ? थोड़ी व्याख्या चलेगी एस आई। तो हम सभी को लेंगे दोस्तों कवर करेंगे फिलहाल उत्तर क्या है आप में से काफी लोगों ने दोस्तों उत्तर भी दिए हैं तो दोस्तों काफी लोगों ने मिस्टेक किया है आ, एपिक थिएटर टर्म दिया है किसने बर्टोल्ट ब्रिक्ट ने जब अभी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे आप कहा मिस्टेक किए हो दोस्तों मार्टिन एसलीन ने वर्ड यूज किया था द थिएटर ऑफ एपसेट के लिए द प्ले दोस्तों द The थिएटर ऑफ दोस्तों उसने कहा कह गया था क्या Abset. और वो किससे हमारे दोस्तों किससे उठा करके वेटिंग फॉर गोडो से अब जान ले क्या बर्टोल्ट ब्रिक का एपिक थिएटर क्या था दोस्तों बर्टोल्ट बर्टोल्ट्रिक जो कि एक जर्मन प्ले राइट थे दोस्तों जर्मन प्ले राइट थे उन्होंने कहा जब लोग कोई कहानी देखने से दोस्तों आप रामलीला देखने गए हो अब आप देख रहे हो सुपरखा की नाक कट रही है अब राम आएगा सीता को हर के ले जाएगा आप सो रहे हो देख भी रहे हो सोचिए आप मेरी बात को थोड़ा हंसीएगा कि हम सो भी रहे हैं देख भी रहे हैं कि यार कौन सा यार रामलीला की कहानी बदलने वाली है दोस्तों बर्टोल ने कहा कि जब लोग देखते हैं कि कहानी चिर परिचित है तो ऑडियंस या स्पेक्टेटर का कहानी में कोई रुचि नहीं होती इसलिए दोस्तों उन्होंने कहा कि बीच बीच में थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाग दो जानी पहचानी कहानी को बदल दो ताकि लोग पूरे ध्यान से जिसे दोस्तों हॉलीवुड मूवीज होती हैं किसी भी सेकेंड कहानी में ट्विस्ट आ सकता है तो इसे दोस्तों इसका एक और नाम था आपने पढ़ा होगा इट वॉज कॉल्ड डी दोस्तों, क्या जानी पहचानी कहानी को एकदम अजीब अजनबी तरीके से दिखाना यह कॉन्सेप्ट जर्मन प्लेराइट ब्रेक्ट द्वारा चलाया गया था इसे हम डिफेमिलइजेशन भी कहते हैं या एपिक थिएटर कहते हैं रही बात एलियट की तो आप जानते हैं टी एस एलियट ने दोस्तों क्या दिया है उन्होंने क्या लिखा था दो वर्ड दोस्तों उन्होंने दिया था क्या एक तो उन्होंने दिया था क्या ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव और उन्होंने क्या बोला था कि हेमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर है क्योंकि यह ऑटोमेटिकली इमोशन जगाने में असफल रहा है जिसने उन्होंने कहा इट लैक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रिलेटिव और दोस्तों तो उन्होंने ही दिया था एक वर्ड क्या डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हा और यह उन्होंने दिया था किसमें अपने तो आप जानते हैं क्या उन्होंने दोस्तों बहुत सारे क्रिटिकल ऐसे लिखे हेमलेट ने सॉरी टी एस एलियट ने तो उनका दोस्तों जो क्रिटिकल ऐसे था क्या हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स वहां उन्होंने कहा हेमलेट को ऑब्जेक्टिव कर रिलेटिव किस में था हेमलेट एंड हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ये वर्ड दोस्तों किसके हैं हमारे टी एस एलियट के और द मेटा फिजिकल पर्ड्स द फिजिकल पोएट्स और वहां से दोस्तों उन्होंने दिया क्या डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो दोस्तों किसने दिए थे हमारे टी एस एलियट फिलहाल हमारा उत्तर है ब्रेक्ट जो कि दोस्तों यस करें फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि हल्का सा मैं ग्लोसरी से भी कुछ क्वेश्चन लिया करूं आइए देखते हैं नंबर नाइन यस आइए हु फेमस डिवीजन ऑफ राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स दोस्तों क्या? इसने एक खास डिवीजन दिया दोस्तों नॉवल्स में या प्लेज में राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स का डिवीजन किसका था ऑप्शन डी एच लॉरेंस बी फॉस्टर सी डी अर्नेस्ट आर्नेशिंग राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स का डिवीजन दोस्तों किसका था आई तो आप में से काफी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा गाइज मैनी ऑफ यू हैव गॉन फॉर दिस फिर भी मैं आपको एक बार दोस्तों बताऊंगा वैसे काफी लोगों ने दोस्तों पहले भी पढ़ा है इसको yes, तो मैंने आपको दोस्तों बोला था मिस्टर यस yes, काफी लोगों ने दोस्तों लिखा है यस एम फॉस्टर फॉस्टर बिल्कुल रोट अ बुक कॉल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ अ अल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल इसने लिखा उत्तर तो आप बता ही चुके हो एम e. फॉस्टर ने एक बुक लिखी थी क्या

हम मानेंगे उदाहरण के लिए द करेक्टर ऑफ हॉरेसियो हाँ दोस्तों हेमलेट का एक दोस्त है कॉन्फिडेंट है कृपा पात्र है क्या होरेसियो वह जैसा का जैसा रहता है पूरे प्ले में वैसा ही रहता है दोस्तों पर जैसे मैकबेथ है हेमलेट है पूरे नाटक के दौरान इनके करेक्टर का एक नया पक्ष हमको दिखाई पड़ता है दे आर कॉल्ड दोस्तों क्या अगर बोले तो नॉन डेवलपिंग रेक्टर चाहो तो एक लाइन में आप इसको ऐसे कह लो जो करेक्टर जो करेक्टर पूरे प्ले या दोस्तों नॉवेल के दौरान नहीं डेवलप होता वैसा का वैसा ही रहता है इट्स कॉल्ड फ्लैट जो दोस्तों लगातार कुछ ना कुछ नया पक्ष दिखाता है लेट्स कॉल देम डेवलपिंग कैरेक्टर्स और यह डिवीजन किसने दिया है यह डिवीजन दिया है किसने ए एम फोस्टन ने सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंस का आगे चलेंगे यस करें इसको और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हाँ गोइंग टू टेक द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द पोएम ऑफ वर्सवर्थ रिटर्न इन हीरोइक कपलेट दोस्तों वर्सवर्थ की किन पोएम्स को हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया था ऑप्शन है द प्रेल्यूट माइकल डिस्क्रिप्टिव स्केचेज द लिच गैदर गाइज की दोस्तों किन पोएम्स को हिरोइक कपलेट्स में लिखा गया था ये देखें इस। इस। तो जैसा दोस्तों मैं बता भी चुका हूं आपको पहले ही बता दिया था कि अपने कैरियर की शुरुआत में कुछ दिनों तक क्लासिकल के दोस्तों आप वर्षवर्थ के पहले के एज को हम क्या बोलते थे न्यू क्लासिकल एज जो पोप का और दोस्तों आप कह सकते हो ड्राइडन का एज था जहां एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी दोस्तों उसे कहते थे और वह एज किसका था हीरोइक कपलेट्स का इसलिए बोलते थे वो लोग दोस्तों हीरोइक कपलेट्स में शुरुआत में अपनी दोस्तों दो पोएम्स एन एवनिंग वॉक देखेंगे एन एवनिंग वॉक कल मैंने आपको बताया भी था एन एवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को शुरुआत में हीरोइक कपलेट्स में लिखा किसने हमारे दोस्तों महाशय बोले तो विलियम वॉस वर्थ ने हाँ इसको आगे चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर इलेवन हाँ जबरदस्त ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड कर रहा है हर चमकती चीज सोना नहीं है ऑफ हैव यू हर्ड दैट टोल्ड और कर रहा है आपको कई बार बताया भी गया है क्या मैनी अ मैन हिज लाइफ है सोल्ड कई लोग अपना जीवन बेच चुके हैं धोखा खा चुके हैं क्या बट बाई आउट साइड टू बी होल्ड कह रहा है बाहरी कहते नी एक नी डोंट जज अ बुक इट्स कवर तो वो वाली बात कह रहा क्या और कई लोग बाहरी चीजें देखकर धोखा खा चुके हैं विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस किंग लियर हेमलेट हैमलेट मैकवे कई बार दोस्तों इसको भी ले चुका हूं और मुझे यकीन है कि आपको याद भी होगा ये लाइनें कहां से ली गई है राइट okay. right. और हम सब जानते हैं तो आइए बता दूं ये लाइनें कहां से ली गई हैं तो दोस्तों तो आप जानते हैं जो प्ले है क्या आप लोगों में काफी लोग हैं दोस्तों तो 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 उत्तर भी आ चुके हैं बिल्कुल सही गाइज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉन फॉर द राइट आंसर्स मेरे बच्चों यस यस साहनी सिद्धार्थ बहुत सारे मेरे बच्चों बहुत बहुतों के उत्तर आते हैं तो so द उत्तर इज द आंसर इज गाइज द मर्चेंट ऑफ वेनिस गए याद करिए कि पोर्सिया के पिता ने दोस्तों कैस्केट्स बनवाए हैं द गोल्ड कैसकेट सिल्वर कैसकेट एंड लिट कैसकेट दोस्तों तो दो प्रिंस ऑफ मोरक्को दोस्तों कौन आता है द प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है जो गोल्ड कैसकेट होता है गोल्ड का चयन उन्होंने क्या कहा है कि जो सही कैसकेट का चयन करेगा उसी से पोर्सिया की शादी होगी तो 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 मोरक्को दोस्तों लेता है 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 कौन सा गोल्ड यार, एक गोल्ड गोल्ड तभी मुझे मिलेगी तो गोल्ड को जब वो खोलता है, तो उसी में तुम चमक धमक से खोल दिए हो पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती और बाहरी आवरण देखकर कभी धोखा नहीं खाना चाहिए सो द राइट आंसर मर्चेंट आई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए इस विच ऑफ द सुधार से देखेंगे विच ऑफ दीज गिव द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन दोस्तों महान फैंसी और इमेजिनेशन का डिवीजन इनमें से किस क्रिटिक ने दिया दोस्तों ऑप्शन ए वर्सवर्थ बी किड सी कॉलरिज डी कार्लाइल लेट्स गो मैंने आपको दोस्तों ये सब काफी राष्ट्रीय पढ़ाया जो लोग जानते हैं पहले से देखते रहे हैं yes. फैंसी और इमेजिनेशन का प्रसिद्ध डिवीजन दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है ऑप्शन है yes, right. मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया था क्या यह yeah, डिवीजन बिल्कुल सभी लोगों ने काफी लोगों ने दोस्तों लिख दिया यस yes. तो वर्सवर्थ के मित्र दोस्तों हमारे महाशय कॉलरिज दोस्तों अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया में दोस्तों यह डिवीज़न दिया है मतलब उन्होंने क्या कहा फैंसी दोस्तों देखेंगे फैंसी और इमेजिनेशन में क्या अंतर है दोस्तों क्या तो उन्होंने कहा फैंसी का रियलिटी से कुछ ना कुछ लेना देना होता है जैसे आप कल्पना करो कि मैं जुहू में हूं जुहू के बीच पे घूम रहा हूं तो करायक भले आप नहीं घूम रहे हो पर जुहू भी है वहां पे बीच भी है मतलब कम कम से जुहू बीच रियल में रहता तो है यह दोस्तों फैंसी है कि मैं आप फैंसी करो आई फैंसी माई सेल्फ एट बीइंग जूहू बीच मैं जूहू बीच पे खड़ा हूं वहां पे मज़े काट रहा हूं पर दोस्तों उन्होंने कहा एक ऐसी कल्पना करना जिसका रियलिटी से एकदम अलग नया दुनिया ये बना देना क्या कि मैं पंखों से आसमान पे उड़ रहा हूं दोस्तों तो पंखों से उड़ने का कोई भी प्रमाण नहीं मौजूद है दिस इज द टोटल पीस ऑफ इमेजिनेशन और यह डिवीजन किसने दिया है बायोग्राफिया लिटरेरिया में किसने कॉलरिज ने दिया है बिल्कुल सही इज़ द राइट आंसर नंबर थर्टीन फेमस सॉन्ग लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रोफ दोस्तों प्रसिद्ध दोस्तों यह जबरदस्त पोएम किसने लिखी है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफॉक आपको पढ़ाया भी है दोस्तों पीजीटी वाले बहुत लोगों और ये सभी देखिए दोस्तों ये बस सोचिए कि टीजीटी पीजीटी का मामला है प्रसिद्ध पोएम्स आपको मालूम होनी चाहिए गाइज ये जरूरी भी है डब्ल्यू बटनर ईट्स रुद्रात कैपलिंग बायरन टी एस एल इसको और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है क्या शुरुआती लाइनें दोस्तों सुनाता हूं इस पोएम की लेट्स गो देन यू एंड डायन इज स्प्रेड अगेंस्ट द लाइक अ पेशेंट अपॉन द टेबल और बीच में क्या इन द रूम वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो और क्या दोस्तों कहता नो 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 आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट जबकि दोस्तों हेमलेट जैसा ही बिहेव करता है और यह है दोस्तों लिखा है किसने टी एस एलियट ने दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त पोएम है लव सॉन्ग ऑफ जेल फ्रेट्रो फ्रॉक आगे चलते हैं नेक्स्ट Yes, क्या कहता है सीजर दाउ आर रिवेंज्ड इवन विद कहता है सीजर अब तो शांत हो जाओ भाई अब तो तुमने अपना बदला ले लिया है और उसी तलवार से जिससे मैंने तुम्हें मारा था दोस्तों यह कौन कहता है कैसियस ब्रूटस कैसका एंटनी हो जाए उसको राइट यस आई आई दोस्तों काफी लोगों ने दोस्तों धोखा खाया है यस इस कम्स फ्रॉम कैसियस मेरे हिसाब से के एसियस का है दोस्तों हाँ यस इसको ओके आई राइट यस आई एम राइट गाइज इट्स कैशियस यस कैशियस देर एक बार आप लोगों ने दोस्तों ब्रूटस को इतना ज्यादा उत्तर दिया कि आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज गाइज हाँ दोस्तों जो लास्ट में ब्रूटस के वर्ड होते हैं वो ये होते हैं सीजर दाऊ आर माइटी एक्ट करा क्या कि मौत के बाद भी तुम इतने स्ट्रांग हो कि हमारे हर प्रयास को निरर्थक बना रहे हो ये लाइनें दोस्तों कैसियस कहता है क्या कि जिस तलवार से मैंने मारा था उसी तलवार से मैं मारा जा रहा हूं पर तुम अभी दाओ दाओ आर येस, येस, सीजर आर आर यस यस रिवेंज रिवेंज सीजर दीज ऑफ एक बार दोस्तों मैं भी कंफ्यूज हो गया था तो मैंने कहा थोड़ा सा देख लू दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती तो देखिए गाइज क्या है ना टीचर को भी कोई भगवान नहीं होता और मैं अपनी टीचिंग को लेकर बहुत ही ऑनेस्ट हूँ गाइज हाँ मुझे भी एक बार डाउट हो गया मैंने कहा एक बार देख लूँ क्या पता मैं ही गलत हूँ ओके विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन हिज फर्स्ट फोलियो एडिशन शेक्सपियर के किस प्ले को दोस्तों उसके पहले फोलियो एडिशन में नहीं रखा गया था इस, इसको और ये दोस्तों हम लोग पहले व्याख्या में ही का, काफी मेरा वक्त चला जाता है एक आध दिन ऐसे रखता हूं कि व्याख्या देनी पड़े तो आप जानते ही हैं इसे हम पहले ही ले चुके हैं दोस्तों पेरिक्लीज इज द राइट आंसर इसको बहुत बार ले चुके हैं तो हम टाइम नहीं लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी इट मे बी सेफली अपॉर्म्ड ये दोस्तों एक जबरदस्त है दैट देयर इज देअर नीदर इज नॉ कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन हु सेट दिस स्टेटमेंट दोस्तों कह रहा है क्या कि मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से कोई खास अंतर नहीं है प्रोज की लैंग्वेज में और पोइट्री की लैंग्वेज में यह किसने कहा हाँ टी एस एलियट वर्सवर्थ कीड्स एजरापाउंड Yes, let's go, हाँ, okay. yes. और दोस्तों यही तो कहा था किसने यही तो लिरिकल बलट्स में कहा था किसने वर्सवर्थ ने गाइस बिल्कुल सही यस yes. इसी को कहा था क्या वर्सवर्थ ने कहां कहा है दोस्तों वर्सवर्थ ने कहा था इसे किसमें अपने टू लिरिकल बल्लट यस yes. टू लिरिकल बलट्स में कहा था दोस्तों उन्होंने क्या लिरिकल बेलेट्स और द राइट आंसर फॉर मेला प्रोफिजम दोस्तों मेला प्रोपिजम के लिए दोस्तों कौन जाना जाता है मेला प्रोपिजम दोस्तों किससे प्रेरित वर्ड है ऑप्शन ए इप्सन हेनरिक रिचार्ड ब्रसले से जॉन डिकेंस, SI. हर एक के दोस्तों अपने अपने रिकॉर्ड्स हैं सभी के अपने अपने रिकॉर्ड्स हैं चलिए डिकेंस दोस्तों कौन नहीं जानता इप्सन मैंने आपको बोला था इप्सन इज अ प्ले राइट ऑफ नॉर्वे के दोस्तों महान नाटककार इप्सन इज नोन एज द फादर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम प्लेज के जनक माने जाते हैं हेनरिक इप्सन नॉर्वे के और दोस्तों जॉन ड्राइडन को जानते ही हैं जॉन ड्राइडन को जनक माना जाता है किसका दोस्तों हिरोइक प्लेज का एंड ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इंग्लिश क्रिटिसिज्म का जनक भी किसको माना जाता है जॉन ड्राइडन को दोस्तों ये सब तमाम बातें हैं जो ड्राइडन से पर जैसा आप जानते हैं इसका सही उत्तर है दोस्तों बी क्या है दोस्तों एक प्ले लिखा था ब, ने एंड द नेम ऑफ द प्ले वॉज द राइवल्स प्ले का नाम था दोस्तों द राइवल्स इसमें एक महिला करेक्टर होती है मिस मेला प्रॉप तो मिस मेला प्रॉप की आदत होती है सही जगह पे गलत वर्ड यूज करने का जैसे क्या देयर आर मैनी इलेक्ट्रिक पोल्स ऑन रोड पोल्स ऑन रोड अब ध्यान से पढ़िए देयर आर मैनी इलेक्ट्रिक पोल्स अब यहां पी ओ एल ई एस होना चाहिए पर उन्होंने क्या लिखा है चुनाव वाला जैसे दोस्तों चुनाव के पोल्स होते हैं तो वो लिख ऐसा बोलती थी कि आपको ओरिजिनल शब्द का अंदाजा लगता रहेगा परसेंस को बिगाड़ने और हंसाने के टारगेट से ऐसा वो बोलती है कैरेक्टर हाँ और इस एक पर्टिकुलर आइडिया को एक नाम दिया गया उस कैरेक्टर के नाम से विच वाज नोन एज मेलोप्रोपिजम और इसे दिया है रिचार्ड ब्रिंसले सैरी डॉन ने दोस्तों और उनका एक और प्रसिद्ध प्ले है जो आपने पढ़ा होगा आई स्कूल फॉर स्कैंडल हाँ द स्कूल फॉर स्कैंडल यस आपने पढ़ा भी होगा आपने काफी लोगों ने पढ़ा होगा इसको yes, गेब द वर्ड हेमैरसिया एंड कैथारसिस वर्ड हेमैरसिया और किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों वर्ड हेमेरिस और कैथारसिस किसके द्वारा दिया गया है तो okay. so, पहले ही मैं आपको ये बता भी चुका हूं कई बार हम इसमें बात भी कर चुके हैं यस yes. इसको अब मार्सिया और कैथारसिस दोस्तों वर्ड हैं बिल्कुल सही गाय जी वर्ड दिए गए हैं किसके एरिस्टोटल द्वारा और मैंने आपको बोला था दोस्तों हेमार्सिया क्या होता है हेमार्सिया होता है दोस्तों क्या ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है ट्रेजिक फ्लॉ मतलब किसी ट्रेजिडी के हीरो में कोई तो ऐसा बुरा बुरी आदत या एक ऐसी गलती होनी चाहिए जो उसके पतन या उसके मौत का कारण बने और कैथारसिस दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कैथारसिस को दोस्तों इस तरह से भी लिखते हैं यू कैन राइट इट दोस्तों के के साथ भी मिलता है तो आप चाहो तो के के साथ भी लिख सकते हो कैथारसिस का दोस्तों अर्थ क्या होता है इमोशनल इमोशनल आउटलेट दोस्तों कहने का अर्थ है कि ट्रेजिडी के बहाने इसको हा ओके okay, ट्रेजिडी के बहाने गाइज बेटर मोमेंट यस ट्रेजडी के बहाने गो, इस, के बहाने दोस्तों अपने अंदर छुपे इमोशंस के गुबार को निकाल करके हल्का महसूस करना मैंने कई बार कॉन्सेप्ट लिया है कभी डिटेल में लूंगा दोस्तों ये कहते हैं इमोशनल आउटलेट या इमोशनल प्योरिफिकेशन टाइप आप कह सकते हो ये दोनों ही वर्ड दोस्तों किससे लिए गए हैं से जिसके राइटर कौन है मिस्टर अरस्तु अरिस्टोटल जिसे हम लोग बोलते हैं यस आई इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट प्लेयर इन ट्रेजडी दोस्तों बड़ी ही बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है पहला प्लेयर ट्रेजडी में किसने उतारा ने यूरिपीडीज ने ने, ने या एरिस्टोफे आई या दोस्तों एक इस हायदाज डे का ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है पहला ट्रेजिडी दोस्तों पहले ट्रेजिडी एक डम्बो जैसा होता था प्राचीन ग्रीक में तो पहला प्लेयर ट्रेजिक प्लेज में किसने उतारा ऑप्शन है यूरिपिडीज सीज एरिस्टोफिनि तो आपको दोस्तों बता दूं क्रम है यस मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा दोस्तों के? काफी लोगों दोस्तों पहले भी पढ़ाया है तो आइए दोस्तों आपको बता दें ने वाज द फर्स्ट ग्रीक राइटर जिन्होंने पर, पहले दोस्तों जानते हैं ट्रेजिक प्लेस कैसे होता था एक आदमी आकर स्टेज पर विभिन्न प्रकार के रोल करता था ये तो बहुत बाद में आया दोस्तों पहले दोस्तों एक कोरस टाइप के लोग आते थे सिर्फ कहानी पढ़ते थे कहानी कहानी ही कैरेक्टर्स दो के साथ आते हैं कौन एसिलस एसिलस दोस्तों टू कैरेक्टर्स के साथ आते हैं तो जब दो कैरेक्टर हो गए तो इट मेड डायलॉग पॉसिबल और दोस्तों ग्रीक उन्होंने दोस्तों प्लेराइट जिन्होंने थर्ड करेक्टर को क्या किया थर्ड करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया और इस तरह से डायलॉग वाज मेड पॉसिबल एट ट्रेजिक प्लेज दोस्तों ट्रेजिक प्लेज में इस तरह से डायलॉग को करना पॉसिबल किया गया फिर सुनेंगे पहला करेक्टर ने लॉन्च किया दूसरा करेक्टर एसिलस ने लॉन्च किया और तीसरा करेक्टर दोस्तों किसने लॉन्च किया सफो ने और इस तरह से धीरे धीरे फिर दोस्तों करेक्टर्स की संख्या बढ़ती चली गई और आज जो हम आप देख रहे हैं यह बहुत ही विकसित रूप है किसका ट्रेजिक प्लेज इसको okay. plays, तो का इसको आइए चलते ओके विच ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर स्पीक्स मोस्ट नंबर ऑफ लाइन इन ऑल हिज प्लेज हाँ शेक्सपियर का दोस्तों कौन सा फीमेल कैरेक्टर महिला करेक्टर्स में सबसे ज्यादा लाइनें बोलती है कौन मिरेंडा, रोजलिंड, क्लेपेट्रा लेडी मैकबेथ आई यस ओके तो दोस्तों जैसा मैं बता ही चुका हूं एव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन सो मेनी टाइम्स दोस्तों हेमलेट इज द मेल कैरेक्टर हेमलेट दोस्तों ऐसा मेल कैरेक्टर है जो अपने नाटक की सेंट या दोस्तों सैतीस परसेंट अकेले थर्टी सेवन थर्टी सेवन परसेंट लाइन अकेले बोलता है मतलब सबसे ज्यादा लाइन कोई बोलता है उनके मेल करेक्टर्स में तो हेमलेट बोलता है और महिला करेक्टर्स में दोस्तों सबसे ज्यादा लाइने बोलती है कौन एज यू लाइक इट की हीरोइन कौन रोजिलिन और उसके बाद उससे कम थोड़ी दस पांच लाइने कम बोलती है कौन कौन महान महारानी मिस्र की महारानी कौन जिनकी सुंदरता के दोस्तों आज तक चर्चे हैं क्लैपेट्रा जिनके प्रेम जाल में फंस गया था बेचारा कौन एंटनी तो ये सेकंड फीमेल कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा लाइनें बोलती हैं पर रोजलिन दोस्तों सबसे ज़्यादा महिला कैरेक्टर्स में लाइन्स बोलती है तो चलाएं दोस्तों हाउ इज द सेशन बताएँ कैसा लगा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों थोड़ा सा व्याख्या दिया गया एक दिन व्याख्या के लिए जाता है तो मैंने कोशिश की दोस्तों की कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा वक्त लग जाता है आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट पर कल कोशिश करूंगा कल फिर धड़ाधड़ 40 क्वेश्चन लूँ आज तो दोस्तों व्याख्या देने में बीस में ही निकल गया पूरा टाइम हाँ तो चलिए गाइज बताएं हाउ वॉज द सीजन उम्मीद करता हूँ दोस्तों पर डे कुछ अलग कुछ नया देने की कोशिश कर रहा हूं एंड बिलीव मी गायज आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड सो बस बाय एंड बाय सो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज कीप ऑन गोइंग गैज कीप ऑन गोइंग डोंट स्टॉप टिल योर गोल इज रीच्ड पढ़ते रहिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो आपको थोड़ा सा हो सकता है आपका मन बटके के यार अभी वैकेंसी नहीं यार दोस्तों तो अभी लास्ट ईयर का वैकेंसी में एग्जाम कैसे हुआ आपको बोलने का मतलब आप जानते हैं उसको हा? तो मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों तो कि आपको अपना दिमाग कहीं और लगाना है यू मस्ट स्टडी बाय लीप्स एंड बाउंड्स आई आई मस्ट से दैट चलिए गायस कल फिर मुलाकात होगी टिल देन आई से गुड बाय टू गैस कीप फॉर वॉचिंग चंदन इंस्टीट्यूट थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद प्यारे साथियों आज हम आपको बताएंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट के लाइव क्लास को कैसे आप देखेंगे कैसे आप प्रवेश लेंगे कोर्स खरीदने के बाद लाइव कहाँ से देखेंगे लाइव बैच का टाइम टेबल कहाँ से देखेंगे कोर्स कब तक लाइव देख सकेंगे कोर्स के साथ नोट्स पी ये सब कैसे आप प्राप्त करेंगे नोट्स कैसे परचेस करें और भी महत्वपूर्ण एक एक बातें चंद्रा ऐप की जो खासियत है उस उसपे हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चंद्रा में इतनी अधिक कॉल आ जाती है इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है मेरे भाई ताकि आप इसको देख लो कम से कम कॉल आपको करना पड़े आप सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप चंद्रा स्टूट से इतना आ, भी आप स्नेह करते हो चंद्रा से बहुत बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद तो चलिए अरे दोस्त आपको स्टेप फर्स्ट में हम आपको बताएंगे चंद्रा का ऐप कैसे आप इंस्टॉल करें और आईडी एंड पासवर्ड कैसे बनाएं तो चलिए मैं आपको बताता हूं देखिए यारे दोस्त स्टेप फर्स्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे सबसे पहले आप चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद प्ले स्टोर पर लिखेंगे भैया चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है लिखिए चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद डाउनलोड का विकल्प आएगा कभी अगर आपने डाउनलोड किया है तो अपडेट आ सकता है या ओपन आ सकता है तो आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड का विकल्प आएगा आप डाउनलोड कर लो ठीक है अप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा ओपन के, के लिए आ जाएगा आप यहां पे रिव्यू भी कुछ अच्छे शब्द सकारात्मक इंसान है अच्छी सोच रखते हैं तो कुछ अच्छे शब्द आप लिख सकते हैं इसके बाद आपके सामने प्रवेश प्रक्रिया तो सबसे पहले यूजर आईडी एंड पासवर्ड देखिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आपसे मांगता है जब आपने पहले से बनाया हुआ है तभी आप यूजर आईडी आप पासवर्ड आपके पास है लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर एप्लीकेशन पर आए हैं आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले आपको क्रिएट योर अकाउंट यहां पे आपको जाना पड़ेगा देखिए क्रिएट योर अकाउंट क्रिएट योर अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे मेरे भाई तो आपके साथ ये विकल्प आया जाएगा इंटर यूजर आईडी डी पासवर्ड तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो भी ये सेल्फ आप लिखेंगे कुछ मतलब ऐसा लिखिए जिसको लिखने के बाद आप तुरंत कहीं पे सेव कर लीजिए अच्छे से ताकि बाद में आप भूले नहीं तो एक तो आपका मोबाइल नंबर जो हमेशा आपको याद है और एक ये आपका आईडी इसी को अपना पासवर्ड आप बना लो ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे बस हो गया इतना सिंपल सा तरीका कंफर्म पासवर्ड वही पासवर्ड कंफर्म कर दो जो आपने आईडी लिखी है वही आपका पासवर्ड हो गया वही कंफर्म कर दो बाकी मोबाइल नंबर कुछ है ही नहीं है ना उसके बाद आप भैया रजिस्टर्ड कर लो जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर लोगे मेरे दोस्त ओ आपके मोबाइल में ओ आएगा कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ओ नहीं आ रही है तो उसका रीजन ये हो सकता है कि हो सकता हो कि जहां पे आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं हो सकता हो कि डेटा ना हो हो सकता हो कि नेटवर्क वीक हो तो थोड़ा बाद में ट्राई कर लो नेटवर्क अच्छा हो छत पे जाके ट्राई कर लो जहां पे नेटवर्क अच्छा हो वहां ट्राई कर लो तो ओ आ जाएगा थोड़ा सा प्रयास अलग अलग लेवल पे आप कर लेंगे दूसरे नंबर पे आप ट्राई कर लीजिए ये भी एक विकल्प है तो जैसे ओ आप क्लिक करेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का एप्लीकेशन मेरे भाई ओपन हो जाएगा राइट और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे कभी कभी आपने अपना इंटरव्यू नेम इंटरव्यू मोबाइल नंबर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड आपने फिलअप किया और उसके बाद रजिस्टर करने के बाद नीचे दिखाएगा यूजर आई डी ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेरे भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर दिखाएं तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके मोबाइल से पहले आईडी पासवर्ड बनाया गया है या तो आपने बनाया या किसी ने बनाया है यह बात है इसका मतलब आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं और जब आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी तो सबसे पहले आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विकल्प आ जाएगा जो आपके सामने यहां पे दिख रहा है मोबाइल यूजर आईडी तो जिस मोबाइल नंबर को डालने पर यह ऑलरेडी रजिस्टर्ड आया वही मोबाइल नंबर डाल दो वही मोबाइल नंबर और इंटर न्यू पासवर्ड नया पासवर्ड क्योंकि पासवर्ड भूल गए हो आप तो अपने से नया पासवर्ड कोई डाल दो इंटर कंफर्म पासवर्ड वही पासवर्ड कंफर्म करा दो तो रीसेट पासवर्ड आपका पासवर्ड जो है यहां पे रीसेट पे क्लिक कर दीजिए आपका पासवर्ड बन जाएगा आईडी पासवर्ड आपका बन जाएगा यहां पे ओटीपी मांगेगा बस हो गया ओटीपी दोस्तों स्टेप टू में हम आपको होम पेज के विषय में बताएंगे और कैसे आईडी बनाने के बाद कोर्स कैसे परचेस करें बहुत से निःशुल्क सपोर्ट करता है पीडीएफ के रूप में क्लासेस में कैसे निःशुल्क जो डेमो वगैरह है कैसे आप देखेंगे संपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके सामने तीन लाइन है। और आप इधर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन के लिए दिया गया है जो जहां पे टाइम टेबल दिया जाता है आपको नीचे आप देखेंगे होम कोर्सेज फ्री नोट्स लाइव क्लासेस ये सारे विकल्प दिया गया है तो आपको कोर्स परचेज करने के लिए कोर्सेज पर क्लिक करना है आप अपने कोर्स तक पहुंच जाएंगे देखिए जब आप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइव लाइव कोर्सेस ऑफलाइन कोर्सेस ये विकल्प आपके सामने आ जाएगा दोस्त ठीक है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं बस देख लो बस स्टेप टू चल रहा है अब देखिए अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज जो कि लाइव देता है चंद्रा इंस्टीट्यूट लाइव देता है ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रा इंस्टीट्यूट 90% परसेंट लाइव क्लास देता है 10% परसेंट रिकॉर्डेड देता है सारी बात एकदम क्लियर तो आप सभी भाई बहनों को लाइव क्लास के लिए आप लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे मेरे दोस्त और इसके बाद ऑल कोर्सेज स्टेट राजस्थान कोर्सेस

अब आप अपना कोर्स को सर्च भी कर सकते हैं जैसे मान लो आपने लिखा टीजीटी बायो ना तो जो सबसे लेटेस्ट रहेगा वो आपके सामने या जितने भी कोर्सेज रहेंगे टीजीटी बायो के क्योंकि अलग अलग डेट पे हम लोगों का क्या है कि हम डेट कन्फर्म करें सात जून है तो सात जून का पंद्रह अप्रैल है तो पंद्रह अप्रैल का बैच दो दिसंबर है दो दिसंबर का बैच डेट से आप एकदम कंफर्म रहते हैं कि किस डेट से ये बैच प्रारंभ हो रहा है जैसे मान लीजिए ये बैच है आपका किसी बंदे ने यहां पे एजुकेशन लिख दिया तो पीजीटी एजुकेशन लिख दिया तो वैसे भी आप यहां सर्च भी कर सकते हैं आपका पूरा दिख भी जाएगा नीचे आप तो सेवेंथ जून से देखिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है जैसे ही आपने सेवेंथ जून पीजीटी एजुकेशन इस पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये देखिए विकल्प आएगा डेमो क्लासेस आप यहां पर देख सकेंगे यहां पे सिलेबस लाइव क्लासेस लेक्चर नोट्स मॉडल पेपर्स, प्रैक्टिस सेट ये सभी वही स्टूडेंट्स देख पाते हैं जो कोर्स परचेस किए रहते हैं लेकिन डेमो वीडियोस भाई हम आपको डेमो देंगे आप डेमो देख लो चंद्रा इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत की कोई भी कोर्स कोई भी कोर्स हम चलाएं और किसी भी टीचर को आप उन्नीस नहीं कह पाएंगे अठारह नहीं कह पाएंगे बीस ही कहेंगे इक्कीस ही कहेंगे इसलिए हम आपको डेमो देते हैं आप डेमो देख लो ना बिंदास कहते हैं ना चंद्रा इंस्टीट्यूट ऐसे फैकल्टी कहां से लाता है आज से जब आप पूरी क्लास करोगे वही तो चंद्रा इंस्टीट्यूट ने हर कोर्सेज को चलाया जिन कोर्सेज को पे पूरा प्रहार किया मैक्सिमम 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 देकर कल्याण सिलेक्शन जॉब इस दिशा में हमने काम किया तो डेमो के माध्यम से आप खुद ही देखोगे अपने से कहने से कोई मतलब नहीं है यार डेमो पर आप जब आप क्लिक करोगे मेरे भाई तो वीडियोस आपके आ जाएंगे प्रॉपर आप डेमो देख लो अच्छे संतुष्ट हो जाओ और यहां पे कोर्स खरीदने के लिए बाय फुल कोर्सेस जब आप नीचे आप देखेंगे तो बाई फुल कोर्सेस का विकल्प दिया गया है फीस आपका दिया गया होगा जैसे यहां पर आपने क्लिक किया पेमेंट प्रोसेस आ जाएगा आप का कुछ डिटेल फिलअप रहेगा कुछ डिटेल आपसे मांग भी लेगा तो आप डिटेल अपना फिलअप कर दीजिए इंटर रेफरल कोड आपसे मांग रहा है तो ये रेफरल कोड आप अगर नहीं भी फिलअप करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है अब बाई कोर्सेज पे आप क्लिक कर दोगे मेरे भाई ओके दोस्त बाई कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपसे कंफर्म के लिए पूछेगा तो कंफर्म पे आप क्लिक कर दो अभी आपका पेमेंट नहीं कटा है अब आपको ले जाएगा कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाह रहे हैं यूपीआई गूगल पे यूपीआई पेटीएम वॉलेट फोन पे जो भी वैसे यूपीआई गूगल पे सबसे आसान होता है सबसे अच्छा होता है इसको आपको वरीता देना चाहिए आसान रहता है इसी पे आप मोस्टली वरीता दीजिए बाकी आप किसी से भी कर सकते हैं जैसे ही आप यूपीआई गूगल पे पे मान लीजिए आपने क्लिक किया और आपसे जो भी पेमेंट्स है जो पेमेंट का डिटेल है वो आपसे मांग लेगा जैसे जितना पेमेंट है जैसे जहां जैसे तमाम आप पेमेंट करते होंगे ना बस वही पेमेंट आप करेंगे तो कोर्स आपको मिल जाएगा अब कोर्स कैसे आप देखेंगे लाइव कैसे देखेंगे जो आपने कोर्स परचेज कर लिया है वो बाद में लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी रहता है वो कैसे देखेंगे नोट्स कैसे पाएंगे पीडीएफ कैसे पाएंगे ये बातें भी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्त अब स्टेप थर्ड आपके सामने है कोर्स खरीदने के बाद लाइव वीडियो कैसे देखें तो देखिए होम पेज आपके सामने आ जाएगा चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद का ये होम पेज है आप होम पेज पे जाएंगे चंद्रा के बिल्कुल सामने ये तीन लाइन है इन तीन लाइनों पर जब आप क्लिक करेंगे मेरे दोस्त तो आपको ये विकल्प दिखाई देगा होम परचेज कोर्स डाउनलोड वीडियो फ्री ई नोट्स ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स पेमेंट हिस्ट्री अब यहां परचेज कोर्स